चाहती हूँ कि मैंने ये जो खिताब जीता है वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का, और इसमें तमाम ऐसी महिलाओं को मैंने उकेरा है, तो मैं चाहती हूँ कि उन हज़ारों महिलाओं की तरफ से ये छोटा सा पेंटिंग मैं उनको गिफ्ट करूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैं जब ये पेंटिंग बनाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा यूनिक काम करना चाहिए जिससे एक समाज के लिए कुछ मेरा मैसेज जा सके, और इसकी प्रेरणा मुझे डॉक्टर जगदीश पिल्लई सर से मिली, और उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया और सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखाया, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा कुछ काम करें जिससे महिलाओं के लिए, समाज में उन लड़कियों के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मैंने 648 फेस मतलब बनाए, और 680 फेस को मैंने कैसे कैसे भाव को दिखाया बनाया, ये बहुत कठिन था हमारे लिए, लेकिन फिर भी मेरी साथ जो भी कुछ ऐसे हादसे हुए थे मैं उसको भूल के आगे बढ़ना चाह रही थी, और हर भाव को अपने कैनवास में दिखाना चाहा है और दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे काम इस क्षेत्र में करते रहते हैं, बच्चों को मदद करते रहते हैं, और खुद भी वो अच्छे कलाकार हैं, पेंटिंग बहुत तरह के पेंटिंग करते रहते हैं, तो वो अक्सर हम जब भी जाते थे हमको अपनी पेंटिंग दिखाया करते थे। तो मैंने एक बार मजाक में उनसे कहा कि अगर आप जब तक एक बहुत बढ़िया एक यूनिक या एक मास्टरपीस अपना नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको एक कलाकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपना अपना पहचान अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग करने पे होते हैं। नॉर्मल काम तो नॉर्मल अपने अपने फील्ड में, गाना गाने वाले गाना गाते हैं, पेंटिंग वाले पेंटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं, कोई डिग्री हासिल करके घर बैठ जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत पेंटिंग करके घर बैठ जाते हैं, मगर कुछ ऐसा मास्टरपीस होना है जिससे अपने कला के ही क्षेत्र में हमारे एक अलग पहचान बने। तो मैंने उनको फेसेस ऑफ फेसेस करके एक बहुत बड़े कैनवास पे करीब 1500 के आसपास पेंटिंग बनाने के लिए मैंने उनको बोला गया। बहुत मेहनत लगा मुझे, इसलिए कि मैं अपने से कलर नहीं ला सकती थी कहीं से उठा के अलमारी से, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है वॉकर से चलना, फिर कलर बदलना, पैलेट साफ करना, पानी बदलना, फिर उठना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं करती गई। कभी कभी बीच बीच में मेरे बच्चे लोग भी आते थे कि क्या क्या कर रही हैं मम्मी, अब छोड़ दीजिए बुआ, छोड़ दीजिए भैया, भी कहा करें, बोले नहीं नहीं अब जो बीड़ा मैंने ठाना उसको तो मैं ही करूँगी। फिर भी मैं रात में 2-2 बजे तक मतलब काम किया करती थी, फिर सुबह हो जाता था पता नहीं चलता था। मात्र 17 दिनों में मैंने ये काम कंप्लीट किए, और 6 फीट के कैनवास मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मैंने ये किया। मैं खड़े होकर भी काम नहीं कर सकती थी, मैं बैठ के भी नहीं, तो इसलिए मैं अपने बेड पे ही कैनवास को बिछा के और उस पर काम किया करती थी।